vertical plane. सर हाँ जी सर, ब्रॉडकास्ट कर दो, ये बोर्ड क्लियर नहीं करता। Three double 5 8 5 4 Consider a body which is moving in a vertical circle of radius r. मेरे को पहले बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताओ कि बॉडी जब नीचे से ऐसे घूम रही है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो वर्टिकल सर्कल में, एज इट मूव्स अप इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कह रही है, आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक कम होती जाएगी। स्ट्रिंग के साथ हमने किसी स्टोन को बांध लिया मान लो, स्ट्रिंग के साथ मैंने एक स्टोन को टाई किया, and it's moving in a circle of radius r. जो ये lowest point है, यहाँ पे मैंने velocity ली vl. अब अगर मैं string को घुमा रहा हूँ और ये vl कम है, तो ये ऐसे vertical circle पूरा करेगा या थोड़ा सा आगे जाके वापस आ जाएगा? अगर vl कम है तो थोड़ा सा आगे जाके वापस आ जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर वापस यहीं pendulum की तरह oscillate करने लग जाएगा। तो अगर मेरे को ये पूरा घुमाना है तो आपको कुछ वेलोसिटी चाहिए होगी, कुछ मिनिमम वेलोसिटी ताकि सर्कल पूरा करे। तो एक तो हमने निकालनी होती है कि लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये वर्टिकल सर्कल पूरा कर सके। हमें किसी भी एक पॉइंट पे टेंशन निकालनी आ सकती है कि यहाँ पे टेंशन बताओ कितनी है। अच्छा, इसमें वर्क डन बाय टेंशन होगा कोई? टेंशन कोई वर्क डन करे कि मैं स्ट्रिंग को घुमा रहा हूँ, तो घुमाने के कारण टेंशन जीरो कब होती है स्ट्रिंग्स में? जब स्ट्रिंग लूज हो जाए। तो स्ट्रिंग अगर टॉट है, टॉट मतलब लूज नहीं है जरा सी भी, तो उसमें कोई टेंशन है। ये टेंशन वर्क डन करेगी? मैं अगर इस पॉइंट पे बॉडी को लेता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एट एनी पॉइंट पी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंट टू द पाथ, परपेंडिकुलर टू द पाथ और एनी डायरेक्शन। यहाँ पे टेंजेंट तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होंगे। डिस्प्लेसमेंट और टेंशन में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। टेंशन कभी भी सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं करती, तो वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो। अगर यहाँ वेलोसिटी vl है, इस पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, जैसे हम कल कर रहे थे पेंडुलम वाले न्यूमेरिकल्स में, याद है कैसे किया था? इसको हमने लोएस्ट पॉइंट ले लिया था, ये हाइट h है, ये अगर r है तो दिस डिस्टेंस वुड बी r cos थीटा। यहाँ से इतना डिस्टेंस r cos थीटा, तो h कितना हो जाएगा? ये पूरा r था r into 1 minus cos थीटा। तो हम लेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, सिर्फ काइनेटिक है हाफ mvl2। यहाँ तक जाते जाते इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, तो हम वहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालें कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये सर्कल पूरा कर लें, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सर उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है टॉप पे पहुंचने के लिए, उससे पता लग सकता है। डिस्टेंस तो पाई आर करना है, क्या करूं उसका? पाई आर होगा ना ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 2r होगी, डिस्टेंस पाई आर होगा। तो उससे कैसे निकालोगे कि वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाए? अगर मैं बोलूं यहाँ पे पहुंचने से पहले या इस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी तो ये वर्टिकल सर्कल पूरा कर लेगा? टेंशन जीरो होने का मतलब क्या है? कहीं पे भी अगर रास्ते में, मतलब मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पर अगर टेंशन जीरो होगी तो क्या होगा इस पॉइंट पे? टेंशन जीरो मतलब स्ट्रिंग लूज हो गई, वो नीचे गिर जाएगा, स्टोन फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब उसमें केसेस हो जाते हैं, फिर हो सकता है टेंशन जीरो हो जाए पर वेलोसिटी जीरो ना हो, तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा प्रोजेक्टाइल की तरह। ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी जीरो हो गई पर टेंशन जीरो नहीं है, तो वो डिफरेंट केसेस आएंगे। पर वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए यहाँ से पहुंचने से पहले, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टेंशन जीरो होगी तो ये वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम हम करेंगे, हम टेंशन निकालेंगे एट एनी पॉइंट पी सच दैट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो अगर मेरे को टेंशन निकालनी है, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। फोर्सेस बताओ कौन सी लग रही हैं? mg और एक टेंशन। mg के कंपोनेंट्स कैसे? दिस वुड बी mg cos theta, mg cos, and this would be mg sin theta. mg sin theta का रोल क्या है? वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रही है, तो ये क्या करेगी? फोर्स करेगी। दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स में फर्क क्या पड़ा था? सर्कुलर में रेडियल फोर्स का रोल क्या होता है, टेंजेंशियल का क्या होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है। रेडियल फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है, वेरी गुड। और टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड, स्पीड चेंज करती है। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स है mg sin थीटा, ये स्पीड को बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी। कम करेगी। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो यही फोर्स स्पीड को बढ़ाएगी भी। तो अभी मैं इस पॉइंट पे ले सकता हूँ कि mg sin theta इज एक्सेलरेटिंग फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग, ये रिटार्डिंग फोर्स है। अच्छा, इन ये दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, t और mg cos theta? इक्वल। इक्वल। इस पॉइंट पे बॉडी की कोई स्पीड है? यस, इस पॉइंट पे है, स्पीड है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स है? यस। कितनी? mv square। अब सेंट्रीपेटल फोर्स खुद से तो कोई फोर्स होती ही नहीं, कोई और फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले करती है। और सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है? इनवर्स। मतलब यहाँ पे बॉडी पे नेट फोर्स इनवर्ट लगनी चाहिए। यस। अगर इनवर्ट फोर्स लगेगी तो t ज्यादा या mg cos थीटा ज्यादा? t ज्यादा। इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितनी हो गई? t माइनस mg cos थीटा। और वो इनवर्ट डायरेक्शन में, और वो क्या रोल प्ले कर रही है? दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। समझ में आया इतना पॉइंट? ठीक है। यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं है, स्पीड जीरो नहीं है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट लगती है, इनवर्ट लगती है, इसका मतलब t minus mg cos theta is not zero and t minus mg cos theta is mv square by r. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. इसमें किसी को डाउट तो पूछो पहले. हाँ जी सर, आपने टेंशन कंसीडर किया और टेंशन का वर्क डन जीरो लिया है. अब वर्क डन तो जीरो ही होगा ना टेंशन का, बिकॉज़ वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. okay. तो मेरे पास इक्वेशन बनी सर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेके वो डन जीरो. हाँ, तो मेरे पास टेंशन का ये फॉर्मूला आ गया. mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर. पहले समझ लो, बाद में लिखेंगे. बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 5 मार्क्स में आता है ऑलमोस्ट हर स्कूल में फाइनल एग्जाम्स में. इस ट्रायंगल से OAP cos थीटा किसके इक्वल है? cos थीटा OA by OP. OA किसके इक्वल है? OA को ध्यान से देखो. मैं OA को लिख सकता हूँ cos थीटा की तो वैल्यू डालनी है. r cos थीटा अपॉन r कर दोगे तो वो तो cos थीटा ही आ जाएगा. मैं अगर इसको r cos थीटा पे r लिख दूंगा तो फिर मैंने करना ही क्यों है? cos थीटा की तो वैल्यू पुट करनी है. मैं इसको लिख सकता हूँ r माइनस h, बिकॉज ये h है. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r cos theta will be r minus h. Yes, sir. Cos theta is r minus h by r. Lowest point पे अगर velocity vl है तो height h पे होगी vl square minus 2gh. अगर यहाँ velocity vl है तो vl square minus 2gh. ठीक है ये? Yes, sir. लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? और पोटेंशियल एनर्जी जीरो. इस पॉइंट पे काइनेटिक कितनी है? और पोटेंशियल, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है vl square minus 2gh. ऐसे किया मैंने. काइनेमैटिक्स की इक्वेशन नहीं लगाई, v square minus u square is equal to 2s से नहीं किया है मैंने, बिकॉज डायरेक्शंस अलग अलग हैं और एक्सेलरेशन वेरिएबल है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल रही है, तो यू कांट यूज काइनेमैटिक इक्वेशन. ये रिजल्ट आ गया. m by r को कॉमन ले सकता हूं मैं. इधर भी m by r है, इधर भी m by r है. यस, फर्स्ट टर्म क्या बची? gr minus gh. तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज this is tension at any point which is at a height h from the base. यहाँ पे निकाली ना. तो अगर मैं आपसे पूछूं lowest point पे tension बताओ, तो इसमें कौन सी substitution कर दे? h is equal to zero. h equals to zero. h is equal to zero. तो मेरे को lowest point पे निकालनी है, तो h को zero put कर दिया. h को zero put किया तो क्या आया result? LVL. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बोलूं हाईएस्ट पॉइंट पे निकालो, तो h को क्या पुट करें हाईएस्ट पॉइंट के लिए? हाइट कितनी है हाईएस्ट पॉइंट की? 2r. h को 2r पुट करूं तो क्या आएगा? -6r. तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज एक. तो आपको यही क्वेश्चन आता है स्कूल में, टेंशन ज्यादा क्या लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे? जैसे जैसे h बढ़ेगा टेंशन बढ़ेगी कम होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे कम है. एक तो आपको क्वेश्चन आता है शो दैट डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 6 टाइम्स द वेट. तो TL माइनस TH शो करना है कि 6 times द वेट है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं वैल्यूज TL माइनस TH, इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ भी हो, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में जो डिफरेंस इन टेंशन है वो हमेशा 6 times द वेट ही होगा। ठीक, बिकॉज VL तो कैंसिल हो जाएगा। यस, डिफरेंस इन टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, पर बॉडी अगर वर्टिकल सर्कल पूरा करती है तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में डिफरेंस इन टेंशन 6 mg ही आएगा। ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरा में आता है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट सो दैट बॉडी इज एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। फॉर बॉडी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले टेंशन 0 नहीं होनी, वहां हो जाए तो कोई बात नहीं। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन थी कितनी? बॉडी वर्टिकल सर्कल पूरा करेगी अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5g या इससे ज्यादा हो। इससे कम वेलोसिटी हुई तो बॉडी वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं कर सकती, एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी चाहिए। अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5g है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? v² = तो अगर लोएस्ट पॉइंट पे 5g है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? √gr। क्लियर? यस। यहाँ तक जो पार्ट है दैट इज स्कूल सिलेबस, बोर्ड में आती हैं स्कूल एग्जाम्स में चीजें। 5 marks में आता है, पूरा क्वेश्चन आता है। शो दैट डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इज 6 times द वेट। ऑल्सो शो दैट फॉर बॉडी टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। ध्यान से देखो इसको, इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछो, मैं शुरू से देखता हूँ। ये स्टेप सबको समझ में आया? मैंने ऐसे क्यों लिखा? t - mg cos थीटा इज mv²/r, बिकॉज इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड है। इनवर्ड है मतलब t शुड बी ग्रेटर देन mg cos थीटा। तो t - mg cos थीटा इज mv²/r। वहां से cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, बिकॉज r cos थीटा इज r - h। ये h है तो दिस इज r - h। तो r - h/r, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला। तो हमारे पास टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ h। लोएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो h को 0 पुट कर देंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो h को 2r पुट कर देंगे। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए ये टेंशन आ गई, हाईएस्ट के लिए h को 2r पुट किया तो ये आंसर आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस हमने शो कर दिया दैट इज 6 times द वेट। और फॉर बॉडी टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो कंसेप्ट यूज किया। इसमें देखो कोई डाउट है, अदरवाइज वी विल राइट दिस। क्लियर है सबको कैसे किया है? डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं। सर इसमें mg sin थीटा और v कोई रिलेशन दिखाते हैं? mg sin थीटा तो सिर्फ वेलोसिटी कम करेगा, जब ये ऊपर ज्यादा है, जब नीचे आएगा तो बढ़ाएगा। उसका मतलब इसमें कोई रोल नहीं है डेरिवेशन में। कैन ड्रॉ दिस डायग्राम देन वी विल रीड अबाउट इट। सिर्फ डायग्राम बना लो पहले। बोर्ड क्लियर हुआ या अभी भी ब्लर्ड है? सब क्लियर है। आधे लोगों का क्लियर, आधे का ब्लर्ड। डायग्राम बन जाए तो बताना, देन वी विल राइट। So you can write the motion of vertical circle. Consider. So 1 minute. Done, sir. Consider a body moving in vertical plane. Consider a body moving in vertical plane about a fixed center using a string of length r as shown in figure. Using a string of length r as shown in figure. Using a string of length r as shown in figure. Using a string of length r as shown in figure. As the body moves up, tangential force mg sin theta acts opposite to velocity and reduces the speed of the body. And reduces the speed of the body. If VL denotes velocity at lowest point, if VL denotes velocity at lowest point, then velocity when string makes an angle, velocity when string makes an angle theta with the vertical is v. Sir, last sentence repeat karna. Velocity when velocity at lowest point is vl, then velocity when string makes an angle theta with vertical is v. Using conservation of energy. यहाँ तक लिख लो पहले। So v square is vl square minus 2gh. any rate, at point P, the forces acting on the body are tension in the string and weight of the body mg. Sir, एक बार repeat करना. At any point P, the forces acting on the body are tension in the string and weight acting on the body and weight of the body mg, making components of weight. mg cos theta acts opposite to the tension. And mg sin theta tangent to the path. The resultant of tension and mg cos theta. Provides necessary centripetal force. Sir, repeat karna. Resultant of tension and mg cos theta provides necessary centripetal force. Excuse me, sir. Anji. तो वो P पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रुक जाता तब T और mg cos आ जाएगी बॉडी नहीं, तब D और mg cos थीटा इक्वल होंगे. ठीक है, तो ये उतार लेंगे. हां, नोट कर लो. यहाँ तक नोट करो पहले. Again, read. This implies that difference in tension in the string For body to complete, difference in tension and the strength for body to complete vertical circle is always equal to 6 times the weight and the difference in tension is independent of the velocity at lowest point. Difference in tension is independent of the velocity at lowest point. Next paragraph में लिखो. For body to complete the vertical circle. Body to complete the vertical circle, the string should not slack. Before reaching the highest point, repeat करना. The string should not slack before reaching the highest point. Therefore, to complete vertical circle, TH should be greater than or equal to 0. To complete vertical circle, TH should be greater than or equal to 0. So you can write इसके आगे. Therefore, the minimum velocity required to complete the vertical circle is. Therefore, minimum velocity required to complete the vertical circle is √5 gr. Is √5 gr. The corresponding velocity at highest point. there is velocity at highest point should be at least this, इससे ज्यादा तो हो सकती है। Velocity at highest point should be at least root gr. इसके नीचे नोट में लिख लो एक पॉइंट। वेलोसिटी एट नोट में लिखना है इसके आगे। First point is the velocity at lowest point is less than root 5 gr. तो क्या होगा अगर root 5 gr से कम है वेलोसिटी तो कंप्लीट नहीं करेगा सर्कल। थोड़ा डिस्टेंस डेवलप वापस आएगा। दो केस इट विल आइदर ऑसिलेट बिकॉज अगर कम वेलोसिटी है तो हो सकता है वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए कि इधर तक जाए एंड स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, या हो सकता है ऊपर तक जाए फिर इट लीव्स द सर्कल। So you can write if velocity at lowest point is less than root 5 gr, the body will either oscillate about lowest point or it leaves the vertical circle. अब कैसे पता चलेगा ऑसिलेट करेगी या वर्टिकल सर्कल लीव करेगी? ऑसिलेशन में जहां तक बॉडी जाती है वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो। जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है पेंडुलम की वहां टेंशन भी जीरो होती है। नहीं, तो इसका मतलब हम दो हाइट निकालते हैं। एक हाइट निकालते हैं जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, दूसरी हाइट निकालते हैं जहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई पर टेंशन जीरो नहीं हुई तो इट मींस ऑसिलेट करेगी, और अगर टेंशन जीरो हो गई पर वेलोसिटी जीरो ना हुई तो इट विल लीव द सर्कल। सो हम पहले निकालते हैं कि वेलोसिटी जीरो कब होगी। सो फॉर बॉडी टू ऑसिलेट जनरल कर लेते हैं पहले, जिससे इफ ये नोट करना है आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना। सर नहीं, मतलब तो अभी नोट करना है कि बाद में दबाओ। कर लो साथ ही। velocity at lowest point is vl is velocity at lowest point and it becomes zero at height h1. h1 की वैल्यू कितनी आ गई? vl स्क्वायर बाय 2g। इसको नंबर कर देते हैं। टेंशन का फॉर्मूला क्या था? If t is equals to 0, h2 कितना आ गया? VL² प्लस GR प्लस अपॉन √3 जी। देखो ठीक है स्टेप। फॉर ऑसिलेशन ये स्टेप ध्यान से देखना, सबको इसका लॉजिक समझ आ रहा है ना। H1 ज्यादा होना चाहिए H2, ऑसिलेशन के लिए वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, तो H1 बड़ा या H2 बड़ा? H2 बड़ा, बिकॉज टेंशन जीरो ना हो पर वेलोसिटी जीरो हो जाए। फॉर बॉडी टू ऑसिलेट H1 शुड बी लेस देन H2। H1 किसके इक्वल था? VL²। तो VL² किसके इक्वल आ गया? Yeah, VL is the root of 2GR. So VL की वैल्यू अगर रूट 2GR से कम है तो ये ऑसिलेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और अगर ऑपोजिट होता 2GR से ज्यादा है तो कंप्लीट नहीं करेगा शायद। For body to leave vertical circle, इसके ऑपोजिट कंडीशन आ जाएगी। पर ये जनरल है, इसमें कुछ एडिशन करनी पड़ेगी। रूट 2GR से ज्यादा बट रूट 5GR से कम, बिकॉज रूट 5GR होगी फिर तो वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाएगा। यही बनेगी कंडीशंस। हाँ जी। सो एक बारी आपने H1 smaller than H2 क्यों लिया और H2 smaller than H1 क्यों लिया, उसका लॉजिक ऑसिलेशन में एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है वहां पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। और टेंशन जीरो या नॉन जीरो? पेंडुलम के एक्सट्रीम पॉइंट पे T किसके इक्वल होता है? mg cos थीटा के। मतलब टेंशन जीरो नहीं है पर वेलोसिटी जीरो है, मतलब H2 बाद में H2 इज ग्रेटर देन H1, बिकॉज जब टेंशन जीरो हो जाएगी तो H2 है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो H1 है। तो हमें चाहिए वेलोसिटी तो जीरो हो जाए पर टेंशन अभी जीरो ना हुई हो, तो H1 H2 से कम होना चाहिए। सर हमने H1 को इनिशियल पॉइंट लिया, H1 को इनिशियल पॉइंट नहीं लिया, H1 को वो पॉइंट लिया जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। इसके ऊपर वाला पार्ट देखो ना, हमने दो पॉइंट्स निकाले, एक H1 निकाला है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, H2 निकाला है जहाँ पे टेंशन जीरो है। लोएस्ट पॉइंट पे तो VL है वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो आपने एक टेस्ट लिया था जो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था, उसमें क्वेश्चन था जिसमें कि हम क्लोथ्स लाइन की जो मतलब स्ट्रिंग होती है वो स्लैग क्यों कट जाती है, तो उसका रीजन नहीं समझ आया। क्लोथ्स लाइन पता है ना क्या होता है? यस सर। है ना, आपने कपड़े सूखने डालने वाली जो तार है उसको खींचना है, तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो या वर्टिकल, सीधा करना है तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड्स। तो आप कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के वर्टिकल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कभी भी सीधी नहीं होती। आप हॉरिजॉन्टल जितनी मर्जी फोर्स लगा लो तो वर्टिकल फोर्स को थोड़ी बैलेंस कर देगी वेट को, तो इसलिए वो हमेशा स्लैक ही करती है। उसका यही रीजन देना था कि टू टाइटन द क्लोथ्स लाइन वी अप्लाई फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच कैन नेवर बैलेंस द वर्टिकल वेट ऑफ द वायर। तो इसीलिए कभी भी मतलब सिर्फ क्लोथ्स लाइन नहीं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी देखोगे तो वो स्लैक कर रही होती हैं बीच में से, कभी भी सीधी नहीं होती। उनको वैसे भी सीधा नहीं रखते, रीजन बीइंग सो विंटर्स में वो फिर स्ट्रेच होके टूट जाएंगे। वो लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज़ समर्स और विंटर्स के कारण, इसलिए कभी भी सीधा नहीं लगाते। इसीलिए रेलवे लाइन भी कभी भी सिंगल पीस में नहीं बनती। रेलवे लाइन में कितने मीटर्स की होती है, मतलब कितने मीटर्स के बाद जॉइंट आता है? बिकॉज एक बार उन्होंने नॉट 11th के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा था कि ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रेन की स्पीड नोट की जा सकती है। आपको मैंने एक वॉच दे दी, स्टॉप वॉच दे दी या वॉच दे दी, या आपके पास अपना मोबाइल फोन है, आप ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रेन की स्पीड नोट हो सकती है। मैं आपको बोलूं से एवरेज स्पीड बताओ मेरे को ट्रेन की, फ्रॉम से आप बैठे हुए थे ट्रेन में 8 बजे से लेके 8:05 तक एवरेज स्पीड क्या थी? सोच के देखना, कोई मेथड है निकालने का? आपके पास सिर्फ एक स्टॉप वॉच है। मैं कभी भी कह सकता हूँ, आई एम नॉट सेइंग जलंधर से अमृतसर के बीच में एवरेज स्पीड, बिकॉज वो आपको डिस्टेंस पता है तो आप निकाल सकते हो। मैं आपको कभी भी कहना हुआ एट रैंडम किसी भी 1 मिनट में एवरेज स्पीड निकाल दो, तो वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और कैसे निकाल सकते हैं अगर निकाल सकते हैं तो। सो क्या नेक्स्ट राइट मोशन इन अ डेथ वेल। मोशन इन अ डेथ वेल, डेथ वेल क्या होता है? सर इसमें वो सर्कस। हाँ, डेथ वेल नाम से ही क्लियर है, हिंदी में उसको मौत का कुआं बोल देते हैं। सर्कस में या फेयर्स, जैसे यहाँ पे वो सोडल का फेयर लगता है, वहाँ पे भी डेथ वेल बनाया होता है। डेथ वेल दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल डेथ वेल और वर्टिकल डेथ वेल। वर्टिकल डेथ वेल में होता है मोटरसाइकिल वर्टिकल पाथ पे चलाना है, हॉरिजॉन्टल डेथ वेल में हॉरिजॉन्टल पाथ पे चलाना है। तो उसमें कंसेप्ट क्या होता है? इजी क्या है, छोटे डेथ वेल में चलाना है या बड़े डेथ वेल में चलाना? मान लो वर्टिकल डेथ वेल है, मान लो वर्टिकल डेथ वेल है, तो इजी किस में है, छोटे में सर्कल में चलाना है या बड़े सर्कल में मोटरसाइकिल चलाना? बड़े में, बड़े में चलाना इजी है। क्यों ऐसा, क्यों? गैस वर्क। गेस वर्क या कोई और रीजन है? सर उनको एरिया ज्यादा मिल जाएगा बड़े वाले में, छोटे में उनको एक ही सर्कल में घुमाना पड़ेगा। अच्छा, हमने फोर्सेस में कुछ एरिया का कंसेप्ट पढ़ा है कि एरिया ज्यादा हो तो फोर्सेस में कोई फर्क पड़ेगा? कोई चीज जैसे आप अपने रूम की सीलिंग पे चलने की कोशिश करो तो आप नीचे क्यों गिर जाते हो? रीजन क्या होता है? सर कोई फोर्स बैलेंस नहीं है। नीचे किस फोर्स के कारण गिरे? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के कारण। अब मान लो आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हो और वो सर्कल में मूव कर रहा है मोटरसाइकिल, तो मैं आपको बोलूं मोटरसाइकिल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? सर एक तो वेट लग रहा है और नॉर्मल फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन वो सेंट्रीपिटल इसका रोल प्ले करेगा, फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करेगी इसमें। है कुछ जबरदस्ती है, जो मर्जी कंसेप्ट सूडो फोर्स, बिकॉज़ अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ तो सूडो फोर्स। और हॉरिजॉन्टल डेथ वेल में फ्रिक्शन रोल प्ले करती है, मान लेते हैं। ऐसे डेथ वेल है और एक व्हीकल इसमें मूव कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट गिरने का चांस सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे ही है। Yes, के नीचे गिरेगा। Yes, sir. यही तीन फोर्सेस है। Yes. इक्विलिब्रियम के लिए mg plus r is mv square by r। r कितना आ गया? mv square by r। अगर नहीं गिरना तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है। जब वो गिरेगा तो वो कांटेक्ट में रहेगा इसके बेल के साथ। नो सर, जैसे ही कांटेक्ट खत्म हुआ नॉर्मल रिएक्शन जीरो। मतलब अगर उसने कांटेक्ट में रहना है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो से ज्यादा ही होना चाहिए। तो मतलब v स्क्वायर की वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब बड़ा सर्कल हुआ तो ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, छोटे सर्कल में घुमाना आसान है। देखने में लग सकता है कि बड़े सर्कल में घुमाना आसान है, बट जितना छोटा सर्कल होगा उसको उतनी कम वेलोसिटी चाहिए होगी, और जितने बड़े सर्कल में मूव करेगा उसको उतनी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी। तो इसलिए छोटे सर्कल में घुमाना आसान होता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डेथ वेल। हॉरिजॉन्टल डेथ वेल इज कि उसने इस पाथ पे मूव करना है वेल के अंदर। तो इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मान लो ये बॉडी है, वेट इधर, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन। नहीं गिरेगा अगर, गिरता था ना, तो नहीं गिरेगा अगर फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू इससे ज्यादा दे तो वो नहीं गिरेगा। अगर एफएल, और एफएल कितना है? R is तो V कितना हो गया? इसमें फ्रिक्शन का रोल आ गया हॉरिजॉन्टल डेथ वेल में, कि V की वैल्यू RG बाय म्यू से ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे RG से ज्यादा होनी चाहिए। ये याद है हमने कब किया था केस? कल एक न्यूमेरिकल किया था एनसीईआरटी का सिलेंडर वाला, कि अगर नीचे से फ्लोर हटा लिया तो वो घूमता कब रहेगा। उसमें भी यही इक्वेशन बनी थी। उसमें था सिलेंडर घूम रहा था, मैन रेस्ट पे था। इसमें ऑपोजिट है, सिलेंडर रेस्ट पे, मैन घूम रहा है। एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात है। अच्छा, आप अगर रोड क्रॉस करते हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि मैं तो रेस्ट पे था, रोड ने मेरे को क्रॉस किया? हम ऐसे कह सकते हैं कि आई एम एट रेस्ट एंड रोड क्रॉस्ड मी? नो सर, नहीं कह सकते। क्यों सर? रिलेटिवली तो कह ही सकते हैं, कह ही सकते हैं। मतलब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की है। आइंस्टाइन को एक बार किसी और साइंटिस्ट ने कहा था यू क्रॉस द रोड, आइंस्टाइन ने कहा कि रेफरेंस फ्रेम मैं हूं, आई नेवर क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस्ड मी। तो बात तो एक ही है। तो इसमें भी एक ही बात है, मैन मूव कर रहा है, सिलेंडर रेस्ट पे है, सिलेंडर मूव कर रहा है, मैन रेस्ट पे है. Basically there is relative motion between them due to which centrifugal force acts. पहले ये वाला कंसेप्ट देखो, वर्टिकल डेथ वेल समझ में आ रहा है. इक्वेशन में मैंने ये स्टेप क्यों किया? बिकॉज जब कॉन्टेक्ट खत्म होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, तो कॉन्टेक्ट में रहना है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होनी चाहिए. तो हम क्रिटिकल केस लेते हैं, इसलिए इक्वल टू का साइन साथ में डाला मैंने. बट बेसिकली बी एल की वैल्यू हमेशा वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन रूट आर जी एंड दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. सो यू कैन राइट मोशन इन अ डेथ वेल, मोशन इन अ डेथ वेल, वर्टिकल डेथ वेल लिख लो और ये डायग्राम बना लो, मोशन इन अ वर्टिकल डेथ वेल, मोशन इन अ वर्टिकल डेथ वेल. इसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, मोटरसाइकिल या कार घूम रही है डेथ वेल के अंदर. मोशन इन अ वर्टिकल डेथ वेल, so you can write, consider a vehicle moving in a vertical plane inside death well. Vehicle moving in a vertical plane inside a death well. At highest point the forces acting are A part, weighted normal reaction acting downwards. At highest point the forces acting are, A part is weight and normal reaction acting downwards, weight and normal reaction acting downwards, and B part is, and B part is centrifugal force acting vertically upwards. For equilibrium, mg plus r is equal to mv square by r. mg plus r is equal to mv square by r. इसके आगे एक स्टेप और लिखो. That means velocity required is independent of the mass, it's independent of correction. And right, this implies that larger the radius of death well, larger the radius of curvature of death well, larger the radius of curvature of death well, larger is the velocity required, larger is the velocity required. And the velocity required to move safely in a death wheel is independent of the velocity required के बाद क्या था सर? To move safely is independent of mass of the body, is independent of the mass of the body. Also the velocity required does not depend on. Friction coefficient between the two surfaces. और कहीं यूज होते हैं सर्कुलर के कंसेप्ट। सेंट्रीफ्यूज सुना कभी? क्या होता है सेंट्रीफ्यूज? नो। क्रीम सेपरेटर सुना? क्रीम सेपरेटर? यस सर। क्रीम सेपरेटर क्या होता है सर? वो सेंट्रीफ्यूगेशन को अलग कर देते हैं जो मतलब डेंसर पार्टिकल्स होते हैं। क्रीम सेपरेटर मतलब मिल्क में से क्रीम को अलग करना। यस तो मिल्क और क्रीम को अगर हम हाई वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो सेंटर पे क्या आएगा, मिल्क या क्रीम? डेंसर कौन है? क्रीम डेंसर है या मिल्क डेंसर है? आइटम है, क्रीम फ्लोट करती है मिल्क के ऊपर। कभी देखा क्रीम सिंक करती हो मिल्क के ऊपर? तो क्रीम लाइटर होती है, तो वो लाइटर होती है इसलिए उस पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, वो सेंटर में इकट्ठी हो जाती है। मतलब अगर आपने पुराना इंडियन कन्वेंशनल सिस्टम देखा है कि वो जो लकड़ी की रॉड डालते थे मटके में, उसको घुमाते थे, तो सेंटर वाली रॉड पे वो मक्खन इकट्ठा होता था। बिकॉज उस पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, वो सेंटर में चला गया, मिल्क कॉर्नर्स पे चला गया, तो वो रॉड को बाहर निकाल के उसके ऊपर से उतार लेते थे। तो दैट वही एक मैकेनिकल डिवाइस बना दी जिसको हम क्रीम सेपरेटर कह देते हैं, कि पहले हाथ से वो रस्सी लेके खींचते थे। हिंदी मूवीज में देखा होगा, बिकॉज प्रैक्टिकली तो मैंने भी कभी नहीं देखा किसी को वैसे निकालते हुए। एंड सेंट्रीफ्यूज जो होता है यही केमिस्ट्री की डिवाइस हो जाती है। केमिस्ट्री की लैब के अपरेटर्स है, बायो की लैब में भी यूज होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं सर? जिनका सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, डिफरेंट। Modern periodic table says that chemical properties depend on atomic number or mass number. Sir, atomic number. मतलब isotopes की chemical properties same होंगी. Yes. Yes. But अगर मेरे पास जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का मिक्सचर है, मेरे को इनको अलग करना है, तो मैं इन मिक्सचर को रोटेट कर दूं, तो कॉर्नर्स पे कौन सा जाएगा, जो हैवी है या लाइटर है? जो हैवी है कॉर्नर्स पे चला जाएगा, लाइटर वाले पार्टिकल बीच में रह जाएंगे। तो आइसोटोप्स को अलग करने का ये मेथड है। केमिकली अलग नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो हम फिजिक्स का मेथड लगा के उनको अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बिकॉज मास डिफरेंट है, तो वो डिवाइस जो होती है उसको सेंट्रीफ्यूज कह देते हैं। सिमिलरली मतलब बहुत सारी जगह पे बायो में भी यूज होता है, जैसे यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स इन एनी गिवन मिक्सचर, कि ब्लड भी है तो उसमें ब्लड में भी पार्ट्स होते हैं फर्दर, तो अगर अलग अलग करना है यू कैन यूज अ डिवाइस जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग लगे और उनको अलग करना पड़े। तो वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्रीम सेपरेटर हो गया या सेंट्रीफ्यूज हो गया। तो कल लिखते हैं इन चीजों को, इतना आज वाला पढ़ के देख लेना, मोशन है, वर्टिकल सर्कल और डेथ वेल। वर्टिकल सर्कल ध्यान से एक बार खुद से डेरिवेशन लिख के देख लेना बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, स्कूल एग्जाम में आती 5 मार्क्स में। सर रोलर कोस्टर्स में भी सेम कांसेप्ट यूज होता है वर्टिकल सर्कल वाला। रोलर कोस्टर में तो आप फिक्स किए होते हो ना, उसमें आपके गिरने का चांस नहीं है, मतलब रोलर कोस्टर में आप ऐसे गिर नहीं सकते ना। यहाँ तो हमने छोड़ा कि बॉडी गिर भी सकती है। डेथवेल तो रिस्की है, रोलर कोस्टर रिस्की नहीं है अनलेस मैकेनिकल फेलियर ना हो, तो वहां तो आपको सीट से टाई कर देते हैं। हाँ जी सर, अगर हम सरफेस को बहुत ज्यादा रफ कर देंगे तो भी कोई वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा? वेलोसिटी तो फिर भी इतनी चाहिए ही होगी बिकॉज़ फ्रिक्शन ने तो टेंजेंट टू द पाथ एक्ट करने, इट कैन नॉट बैलेंस वेट।